परिचय। आशीष, मुझे जूस पीना पसंद है क्योंकि ये ताकत देता है। जूस का स्वाद अच्छा होता है और जब ये ठंडा हो तो और भी अच्छा लगता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। प्रिंस, जरा ये बर्फ मुझे देना, मुझे अपने गिलास में एक दो और डालनी है। हाँ जरूर। आशीष, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, पूछो। बर्फ पिघल क्यों रही है? और जब हम इसे जूस में डालते हैं तब भी ये पिघल जाती है, ऐसा क्यों? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बर्फ का पिघलना ऊष्मागतिकी का एक उदाहरण है। ब्रह्मांड में कुछ भी ठंडा नहीं है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपने परिवेश में ऊष्मा का विकिरण करती है। विश्व के उत्क्रम माप में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस उत्क्रम माप के कारण बर्फ पिघलती है। अच्छा, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसके बारे में जानना अत्यंत रोचक है। तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ऊष्मागतिकी को परिभाषित करना, ऊष्मागतिकी प्रक्रम की व्याख्या करना, ऊर्जा की रूपांतरण की प्रणाली को समझना, आंतरिक ऊर्जा की व्याख्या करना, दाब आयतन कार्य को समझना, एंथैल्पी को परिभाषित करना, विस्तीर्ण व गहन गुणधर्म में विभेद करना और ऊष्माधारिता की गणना करना। कैलोरीमिति के बारे में जानना, डेल्टा एच व डेल्टा ई के बीच संबंध का विश्लेषण करना, ऊष्म रसायन के नियमों की व्याख्या करना, बॉन्ड एंथैल्पी को समझना, स्वतः पराक्रम को परिभाषित करना, गिब्स ऊर्जा की गणना करना। ऊष्मागतिकी विज्ञान की उस शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं जिसमें ऊष्मा और अन्य ऊर्जा के रूपों के साथ उनके मात्रात्मक संबंधों की चर्चा होती है। ऊष्मागतिकी मूल रूप से 3 आधारभूत सामान्यीकरणों पर आधारित है। पहले नियम में ऊर्जाओं के विभिन्न स्वरूपों की समतुल्यता के बारे में बात की जाती है। दूसरे नियम में रासायनिक परिवर्तन की दिशा के बारे में बात की जाती है। तीसरे नियम में ऊष्मा उत्क्रम जैसे ऊष्मागतिकी के मापदंडों का मूल्यांकन करने में सहायक है। ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त आधारभूत शब्दावली। निकाय प्रणाली की व्याख्या ब्रह्मांड के उस भाग के रूप में की जाती है जिस पर खोज जारी है। उदाहरण के लिए, यदि हम पानी के गुणधर्मों पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रणाली के रूप में पानी लिया जाएगा। परिवेश प्रणाली के अतिरिक्त ब्रह्मांड का भाग परिवेश के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि अभिक्रिया सम्मिश्रण एक बीकर में रखा जाता है तो ये प्रणाली बन जाता है और बीकर की दीवारें सीमा बनाती हैं और शेष सब कुछ परिवेश है। प्रणाली को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: खुली प्रणाली, बंद प्रणाली और विलगित प्रणाली। खुली प्रणाली वो प्रणाली जो द्रव्यमान और ऊर्जा के परिवेश के साथ विनिमय कर सकती है, उसे खुली प्रणाली कहते हैं। बंद प्रणाली वो प्रणाली जो ऊर्जा का विनिमय द्रव्यमान के साथ नहीं बल्कि परिवेश के साथ कर सकती है, उसे बंद प्रणाली कहते हैं। विलगित प्रणाली वो प्रणाली जो ना तो ऊर्जा का विनिमय कर सकती है और न ही द्रव्यमान का परिवेश से उसे पृथकभूत प्रणाली कहते हैं। प्रणाली की दशा। प्रणाली की दशा से अभिप्राय प्रणाली के अस्तित्व से है, जबकि इसके स्थूल गुणधर्म निश्चित मान रखते हैं। उदाहरण के लिए गैसीय प्रणाली की दशा दाब, आयतन, तापमान और मात्रा से परिभाषित की जा सकती है। इसके स्थूल गुणधर्म निश्चित हो जाने के बाद गुणधर्म स्वतः निश्चित मान प्राप्त कर लेते हैं। जब अन्य स्थूल गुणधर्म नए मान प्राप्त करते हैं, तब एक या अधिक स्थूल गुणधर्म प्रणाली की स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, जबकि अन्य स्थूल गुणधर्म नए मूल्य प्राप्त करते हैं। इस तरह के स्थूल गुणधर्म दशा परिवर्ती कारक कहलाते हैं। आरंभिक दशा को प्रणाली साम्यावस्था में आरंभिक दशा को संदर्भित है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया होने के बाद प्रणाली एक नई साम्यावस्था बनाती है, जिसे प्रणाली की अंतिम दशा कहते हैं। ऊष्मागतिक पराक्रम। जो प्रक्रिया प्रणाली की दशा में परिवर्तन लाती है उसे ऊष्मागतिक पराक्रम कहते हैं। ऊष्मागतिक पराक्रम को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। समऊष्मीय पराक्रम। ये पराक्रम स्थिर तापमान पर होता है। स्थिरोष्म पराक्रम। इस पराक्रम में प्रणाली और परिवेश के बीच किसी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। समदाबी पराक्रम। ये पराक्रम स्थिर दाब पर होता है। समायतनिक पराक्रम। ये पराक्रम स्थिर आयतन पर होता है। ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली। प्रणाली और परिवेश के बीच ऊर्जा स्थानांतरण की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। ऊष्मा। यदि प्रणाली और परिवेश के ऊष्मामान में तापमान भिन्न है तो ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा के रूप में होता है। यदि प्रणाली का तापमान अधिक है तो परिवेश में ऊर्जा का ह्रास होता है। यदि प्रणाली का तापमान परिवेश से कम है तो प्रणाली को परिवेश से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मा को Q से निरूपित किया जाता है। कार्य। यदि प्रणाली और परिवेश के दाब में भिन्नता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कार्य के रूप में हो सकता है। आइए गैसीय प्रणाली को लेते हैं, जो एक सिलेंडर में चलनशील पिस्टन के साथ लगा हुआ है। यदि प्रणाली का दाब उच्च होगा तो पिस्टन तब तक ऊपर की ओर धकेला जाएगा जब तक कि प्रणाली का दाब परिवेश के समान नहीं हो जाता। यदि प्रणाली का दाब कम है तो पिस्टन नीचे की ओर तब तक दबाया जाएगा जब तक कि प्रणाली का दाब परिवेश के समान नहीं हो जाता। आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा घटक कणों की गतिज और स्थितिज ऊर्जा से बनी होती है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है और आंतरिक ऊर्जा में तब परिवर्तन होता है जब ऊष्मा प्रणाली से परिवेश में या परिवेश से प्रणाली में स्थानांतरित होती है। विलगित प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। ऊष्मा को प्रणाली में प्रवाहित होने दिया जाए या ऊष्मा को प्रणाली से बाहर जाने दिया जाए। प्रणाली पर या प्रणाली द्वारा कार्य किए जाने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार दिया जाता है। डेल्टा U बराबर Q प्लस W। जहां Q प्रणाली को दी गई ऊष्मा है, W प्रणाली पर किया गया कार्य है। उक्त संबंध में ऊष्मा गतिकी का यह पहला नियम है। दाब आयतन कार्य। गैस भरे एक सिलेंडर के बारे में विचार करें जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा है। यदि बाहरी दाब आंतरिक दाब से थोड़ा सा भी कम होगा तो पिस्टन ऊपर की ओर तब तक जाएगा जब तक बाहरी दाब आंतरिक दाब के समान ना हो जाए। यदि आयतन और सिलेंडर का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रमशः V और A है तो प्रणाली द्वारा किया गया कार्य बराबर P गुणा A गुणा L, जो P गुणे डेल्टा V के बराबर है। आदर्श गैस का उत्क्रमणीय PV कार्य। आदर्श गैस से भरे एक सिलेंडर जिसका आयतन V है, इसके बारे में विचार करें जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगा है और जिसका बाहरी दाब P है। यदि दाब का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है तो आयतन में वृद्धि भी अत्यंत सूक्ष्म होगी। अब दाब आयतन कार्य के कारण प्रणाली द्वारा किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा। स्थिर बाहरी दाब P पर एक आदर्श गैस का विस्तार V2 से V1 तक करने हेतु किए गए कार्य की कुल मात्रा को -2.303 nRT log P1 बटे P2 लिखा गया है। एंथैल्पी। एंथैल्पी अवस्था फलन का उपयोग स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन के मापन के लिए किया जाता है। H बराबर U जमा PV और डेल्टा H बराबर डेल्टा U जमा P डेल्टा V जमा V डेल्टा P। स्थिर दाब पर डेल्टा P बराबर 0, अतः डेल्टा H बराबर डेल्टा U जमा P डेल्टा V। इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है। डेल्टा H बराबर QP। डेल्टा U और डेल्टा H में निम्न संबंध है। डेल्टा H बराबर डेल्टा U जमा डेल्टा NgRT, जहां डेल्टा Ng गैसीय गुणनफल के मोल की संख्या माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल की संख्या है। विस्तीर्ण व गहन गुणधर्म। विस्तीर्ण गुणधर्म प्रणाली के वे गुणधर्म जो उसमें निहित द्रव्य की मात्रा पर आधारित होते हैं। उदाहरण: द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, ऊष्माधारिता, एंथैल्पी, उत्क्रम माप, मुक्त ऊर्जा आदि। गहन गुणधर्म प्रणाली के वे गुणधर्म जो उसमें निहित द्रव्य की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण: दाब, तापमान, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, तरलता, पृष्ठ तनाव आदि। ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के एक नमूने की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वो मात्रा है जो इसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ऊष्माधारिता 2 प्रकार की होती है: स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता एक विस्तीर्ण मात्रा है। ठोसों के लिए Cp और Cv बराबर होते हैं और गैसों के लिए Cp और Cv भिन्न होते हैं। ऊष्माधारिता पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। Q बराबर CV गुणे डेल्टा T, जहां डेल्टा T बराबर TF घटा TI। पदार्थ की मोलर ऊष्मा धारिता। पदार्थ के 1 मोल की ऊष्मा धारिता होती है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वो मात्रा होती है जो पदार्थ के 1 यूनिट द्रव्य के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। Q बराबर C गुणे M गुणे डेल्टा T। विशिष्ट ऊष्मा धारिता व मोलर ऊष्मा धारिता गहन राशियां हैं। कैलोरी मिति। कैलोरी मिति एक प्रयोगात्मक तकनीक है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया में मुक्त की गई या अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। यह पराक्रम एक बर्तन में किया जाता है जिसे कैलोरी मीटर कहते हैं, जो तरल की ज्ञात मात्रा में निमज्जित होता है। जिस तरल में कैलोरी मीटर निमज्जित है उसकी ऊष्मा धारिता तथा कैलोरी मीटर की ऊष्मा धारिता ज्ञात होने पर हम तापमानों में हुए परिवर्तन का मापन करके प्रयुक्त ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा U माप। वे रासायनिक अभिक्रियाएं स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित होती हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर में मापी जाती हैं। एक स्टील का बर्तन ये सुनिश्चित करने के लिए पानी में डुबो दिया जाता है कि परिवेश में ऊष्मा का हिरास ना हो। स्टील बॉम्ब में रखी शुद्ध डाइऑक्सीजन में एक ज्वलनशील पदार्थ को जलाया जाता है। अभिक्रिया में निकली ऊष्मा को बॉम्ब के आसपास के पानी में स्थानांतरित किया जाता है तथा इसके तापमान की निगरानी की जाती है। चूंकि बॉम्ब कैलोरी मीटर सील होता है, इसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है क्योंकि अभिक्रिया बॉम्ब कैलोरी मीटर में स्थिर आयतन पर होती है। पूर्ण अभिक्रिया द्वारा उत्पादित कैलोरी मीटर के तापमान में हुआ परिवर्तन QV में परिवर्तित हो जाता है। डेल्टा H मापन। स्थिर दाब पर ऊष्मा में परिवर्तन की माप कैलोरी मीटर में की जा सकती है। हम जानते हैं कि डेल्टा H बराबर QP। स्थिर दाब पर अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी भी कहा जाता है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रणाली परिवेश में ऊष्मा मुक्त करती है, अतः QP ऋणात्मक होगा और डेल्टा RH भी ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है और प्रणाली परिवेश से ऊष्मा प्राप्त की जाती है, अतः QP धनात्मक होगा और डेल्टा RH भी धनात्मक होगा। डेल्टा H और डेल्टा E में संबंध। एंथैल्पी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा और PV ऊर्जा का योग होता है। ये एक मात्रात्मक गुणधर्म और अवस्था फलन भी है। इसका गणितीय रूप से संबंध निम्न है। H बराबर E जमा PV। डेल्टा H को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। डेल्टा H बराबर H2 घटा H1, जो कि HP का योग माइनस HR का योग के बराबर है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा H धनात्मक है। ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया में डेल्टा H ऋणात्मक है। डेल्टा H निरूपित करता है की अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन स्थिर तापमान व स्थिर दाब पर होता है। प्रतिक्रिया के डेल्टा एच और डेल्टा ई में निम्न संबंध है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई जमा डेल्टा पी डेल्टा वी। इसे निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई जमा डेल्टा एन जी आर टी, जहां डेल्टा एन जी गैस मोलों की संख्या में परिवर्तन है। अभिक्रिया की ऊष्मा, ये एंथैल्पी परिवर्तन है जो अभिक्रिया के दौरान उस समय होता है जब अभिक्रिया अभिकारकों की उपभोग की गई राशियां और बने हुए उत्पादों की राशियां संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप हों। डेल्टा एच 2 माइनस डेल्टा एच 1 बराबर टी 2 घटा टी 1 गुणे उत्पादों का सीपी गुणे अभिकारकों का सीपी। मानक अवस्था की स्थिति में व्यक्त की गई अभिक्रिया की एंथैल्पी को मानक एंथैल्पी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, आइए डेल्टा एच व डेल्टा ई के मध्य संबंध का एक उदाहरण देखें। दी गई प्रतिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच 298 केल्विन पर माइनस 92.38 किलो जूल है। 298 केल्विन पर डेल्टा ई क्या है? आइए हल देखते हैं। दिया है डेल्टा एच बराबर घटा 92.38 किलो जूल, डेल्टा एन जी बराबर 2 घटा 1 जमा 3 बराबर घटा 2, आर बराबर 8A314 गुणे 10 की घात घटा 3 किलो जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। हम जानते हैं कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई जमा डेल्टा एन जी आर टी, इसलिए डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच घटा डेल्टा एन जी आर टी। अब हम समीकरण में मान रखेंगे और गणना करेंगे। हमें डेल्टा ई बराबर घटा 87.42 किलो जूल प्राप्त होता है। इस प्रकार डेल्टा ई का मान घटा 87.42 किलो जूल है। अभिक्रिया की एंथैल्पी के विभिन्न रूप। उत्पत्ति की एंथैल्पी, ये ऊष्मा परिवर्तन तब होता है जब किसी यौगिक का 1 मोल उसके घटक तत्वों से प्राप्त किया जाता है। स्वतंत्र तत्वों की मानक एंथैल्पी 0 ली जाती है। इसका मान यौगिक की रासायनिक स्थिरता का निर्धारण करता है। दहन की एंथैल्पी, ये ऊष्मा परिवर्तन तब होता है जब किसी यौगिक के 1 मोल का वायुमंडल की ऑक्सीजन में पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। यह सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि दहन की पराक्रम ऊष्माक्षेपी होती है। विलयन की एंथैल्पी, ये ऊष्मा परिवर्तन तब होता है जब किसी पदार्थ का 1 मोल विलायक की भारी मात्रा में विघटित होता है ताकि और तनुकरण होने पर कोई भारी ऊष्मा परिवर्तन ना हो। जलयोजन की एंथैल्पी, ये ऊष्मा परिवर्तन तब होता है जब जलहीन पदार्थ का पूर्ण जलयोजन होता है। जलयोजन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें जल के अणुओं और मध्यवर्ती धातु आयन में आबंध होता है। संलयन की एंथैल्पी, ये ठोस पदार्थ के 1 मोल को गलनांक पर पूर्ण द्रव बनाने हेतु आवश्यक ऊष्मा परिवर्तन है। वाष्पीकरण की एंथैल्पी तरल पदार्थ के एक मोल को क्वथनांक पर पूर्ण वाष्प बनाने हेतु आवश्यक ऊष्मा परिवर्तन। उदासीनीकरण की एंथैल्पी ये वो ऊष्मा परिवर्तन है जब तनु विलयनों में 1 ग्राम अम्ल का समतुल्य तनु घोल द्वारा 1 ग्राम क्षार को उदासीन करता है। हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी ये एंथैल्पी परिवर्तन तब होता है जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का 1 मोल पूर्ण हाइड्रोजनीकृत हो जाता है। संक्रमण की एंथैल्पी ये ऊष्मा परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ का 1 मोल एक परानुवर्ती स्वरूप से दूसरे में संक्रमित होता है। ऊष्म रसायन के नियम। लावोइसियर लैपलेस का नियम। अभिक्रिया के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन जो परिमाण में बराबर हो लेकिन उत्क्रमी प्राक्रम में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन में इसका चिन्ह विपरीत हो। हेस का नियम। हेस का नियम ये कहता है कि प्राक्रम के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन केवल आरंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर होता है और उस मार्ग से प्रभावित नहीं होता है जिस पर ये प्राक्रम किया गया हो। हेस का नियम बहुत सी प्रतिक्रियाओं की एंथैल्पी की गणना करने में सहायक है जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, जैसे संरचना की एंथैल्पी, संक्रमण की एंथैल्पी, जलयोजन की एंथैल्पी आदि। बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड वियोजन ऊर्जा गैसीय अणुओं में विशेष आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहा जाता है। ये एक निश्चित मात्रा होती है और किलोजूल प्रति अणु में व्यक्त होती है। किसी द्विपरमाणुक अणु में शब्द आबंध वियोजन ऊर्जा का अर्थ वही होता है जो आबंध ऊर्जा का होता है, लेकिन एक से अधिक आबंध वाले बहुपरमाणु अणु में शब्द आबंध वियोजन ऊर्जा का अर्थ आबंध ऊर्जा के समान नहीं होता है। आबंध ऊर्जा वो औसत मात्रा है जो किसी गैसीय अणु में उस प्रकार के 1 मोल के आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। अभिकारकों व उत्पादों की बॉन्ड ऊर्जा ज्ञात होने पर अभिक्रिया की डेल्टा H की गणना की जा सकती है। स्वतः प्राक्रम। वे भौतिक या रासायनिक प्राक्रम जो एक दिशा विशेष में दी गई अवस्थाओं में स्वयं अथवा समुचित प्रारंभ के साथ होती हैं, स्वतः प्राक्रम कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक प्राक्रम स्वतः प्राक्रम होते हैं। स्वतः प्राक्रम दिए गए अवस्थाओं में स्वतः प्राक्रम अपने प्राक्रम को प्रतिलोमित नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड में होने वाला कोई भी भौतिक या रासायनिक प्राक्रम तभी स्वतः हो सकता है जब वो ब्रह्मांड के उत्क्रम माप में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हो। किसी प्राक्रम के स्वतः होने के लिए आवश्यक है कि डेल्टा एस ब्रह्मांड शून्य से अधिक होना चाहिए। यदि डेल्टा एस योग बराबर 0 तब ये साम्य अवस्था में है। गिब्स ऊर्जा वो ऊर्जा जो विशिष्ट अवस्थाओं में प्रणाली से निःशुल्क उपलब्ध है और जो उपयोगी कार्यों में इस्तेमाल की जा सकती है, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। प्रणाली से संबद्ध संपूर्ण ऊर्जा का एक भाग रैंडम ऊर्जा होता है जो कार्य में रूपांतरणीय नहीं है। गिब्स ऊर्जा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। G = H - Ts। गिब्स ऊर्जा अवस्था फलन है और इसकी इकाई जूल प्रति मोल है। पराक्रम के दौरान गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन G2 - G1 द्वारा दिया जाता है, जो ΔH - T ΔS के बराबर है। प्रणाली का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन दिए गए संबंध द्वारा ΔS योग से संबंधित है। प्रणाली का ΔG = -T ΔS योग। विशेष अवस्था में प्रणाली का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन उपयोगी कार्य को निरूपित करता है, जो प्रणाली से पीवी कार्य के अलावा प्राप्य हो। मानक गिब्स ऊर्जा निर्माण। मानक अवस्था में अपने घटक तत्वों से यौगिक के एक मोल के निर्माण के दौरान आने वाली मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मुक्त तत्वों का ΔGF0 उनकी मानक अवस्था पर 0 लिया जाता है। मानक ऊर्जा परिवर्तन अभिकारकों व उत्पादों का मानक मुक्त ऊर्जाओं से निम्न रूप में संबंधित होता है। ΔG0 = उत्पादों का ΔGF0 का योग माइनस अभिकारकों का ΔGF0 का योग। ΔG0 अभिक्रिया के ΔH0 और ΔS0 से निम्नानुसार संबंधित है। ΔG0 = ΔH0 - T ΔS0। ΔG0 साम्य स्थिरांक से निम्नानुसार संबंधित है। ΔG0 = -2.3038 इलोग के। क्या आप जानते हैं? शब्द एंट्रोपी की खोज जर्मन भौतिक शास्त्री रुडोल्फ क्लॉसिस द्वारा 1865 में की गई थी। ऊर्जा के अपव्ययित होने के बाद इसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जैसे हम बर्फ पिघलने के बाद फिर से इग्लू नहीं बना सकते। तापमान निकायों के बीच आंतरिक ऊर्जा प्रवाह की दिशा बताता है और उन निकायों के बीच औसत गतिज ऊर्जा पारगमन को संकेतित करती है। तापीय ऊर्जा परमाणु की या अणु के स्तर पर वास्तव में गतिज ऊर्जा का एक प्रकार है। जितना अधिक इन कणों की गति होगी, उतनी ही अधिक तापीय ऊर्जा होगी। सारांश। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विज्ञान की वो शाखा जो ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य प्रकारों के साथ उनके मात्रात्मक संबंधों पर चर्चा करती है, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। वो प्रणाली जो ऊर्जा का विनिमय द्रव्यमान के साथ ना करके परिवेश के साथ लेकिन कर सकती है, उसे बंद प्रणाली कहते हैं। यदि प्रणाली और परिवेश के तापमानों में भिन्नता है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान ऊष्मा के रूप में होता है। यदि दाब में भिन्नता है, तो प्रणाली और परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान कार्य के रूप में हो सकता है। आंतरिक ऊर्जा घटक कणों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से बनी होती है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होती है। प्रणाली के वे गुणधर्म जो उसमें निहित द्रव्य की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, गहन गुणधर्म कहे जाते हैं। पदार्थ के एक नमूने की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वो मात्रा है जो तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। कैलोरी मिति एक प्रयोगात्मक तकनीक है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया में मुक्त की गई या अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। वो ऊर्जा जो विशिष्ट दशा में प्रणाली से निःशुल्क उपलब्ध होती है और जिसका इस्तेमाल उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है, गिब्स ऊर्जा कहलाती है।